पुरुलिया जंक्शन रेलवे स्टेशन भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में पुरुलिया जिले में स्थित है तथा पश्चिम बंगाल राज्य का एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है और यह खास तौर पर पुरुलिया जिले के मुख्यालय पुरुलिया शहर में कार्य करता है। पुरुलिया जंक्शन का स्टेशन कोड PRR है। स्टेशन NSG4 श्रेणी के अंतर्गत है। पुरुलिया रेलवे स्टेशन वर्तमान में आसनसोल आद्रा मोरी बोकारो रांची और टाटा नगर चक्रधरपुर से सीधा संबंध रखने वाला एक थ्री वे जंक्शन पॉइंट है। पुरुलिया रेलवे स्टेशन साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन के आद्रा डिवीजन के अंतर्गत आता है। यह रेलवे के स्वामित्व वाली कॉलोनियों के साथ शहर के पूर्वी हिस्से में स्थित है, जो रेलवे में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए घर है। इस स्टेशन में 4 प्लेटफॉर्म है। उपलब्ध प्रमुख सुविधाएं कंप्यूटरकृत आरक्षण सुविधा, आरक्षण काउंटर, दो पहिया और चार पहिया वाहन पार्किंग है, साथ ही वाईफाई, रेस्ट रूम, पेयजल, शौचालय, दुकान और भोजन जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। सीढ़ियों और दीवारों पर बहुत सारे चित्र हैं जो पुरुलिया और अन्य बंगाली संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्टेशन के बाहर विभिन्न जगहों पर जाने के लिए बैटरी चालित टोटो या ई रिक्शा एवं कार उपलब्ध है तथा खाने और ठहरने के लिए बहुत सारे होटल और रेस्टोरेंट मौजूद है। अर्थात कह सकते हैं कि यह सभी प्रकार की मूलभूत सेवाओं के साथ एक बहुत ही स्वच्छ स्टेशन है। गूगल रिव्यू के अनुसार भाग्यश्री घोष लिखती हैं, इट्स गुड। डॉक्टर निखिल महतो लिखते हैं, टाटा आसनसोल से रांची के बीच कनेक्टिंग स्टेशन है। कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई के लिए नियमित ट्रेनें हैं। प्रेम प्रकाश मेहता लिखते हैं, अच्छा स्टेशन है, पुरुलिया शहर तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। आदर्श मुखर्जी लिखते हैं, सुंदर रेलवे स्टेशन, पुरुलिया जंक्शन को संवारने के लिए सीढ़ियों पर पेंटिंग है। एस के दिलसाद अनवर, यह एक सुंदर और अच्छी तरह से सजाया गया रेलवे स्टेशन है। इतनी भीड़ नहीं है इस रेलवे स्टेशन से कई महत्वपूर्ण शहर सीधे जुड़े हुए हैं, लेकिन अधिक विकास की जरूरत है। प्लेटफॉर्मों में एस्केलेटर आवश्यक होना चाहिए। सौरभ खान लिखते हैं, सभी प्रकार की मूलभूत सेवाओं के साथ एक बहुत ही स्वच्छ स्टेशन, इसके अलावा माहौल बहुत ही अच्छा है। पवित्र मंडल, पुरुलिया जंक्शन आद्रा डिवीजन में एक महत्वपूर्ण स्टेशन है। पुरुलिया के लोगों को अन्य स्थानों से जोड़ने के लिए इस छोटे से स्टेशन का महत्व काफी अच्छा है। आप भारत के अधिकांश शहरों को जोड़ने वाली ट्रेनें प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप ज्यादातर जगहों के लिए सीधी ट्रेन भी ले सकते हैं। IRF अरित्र भौमिक, पुरुलिया एक जंक्शन स्टेशन है। मुख्य लाइन आसनसोल जंक्शन की ओर जाती है और शाखा मुड़ी जंक्शन की ओर जाती है। आद्रा डिवीजन के महत्वपूर्ण स्टेशन में से एक SER। इस स्टेशन से सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। ज्यादातर सभी एक्सप्रेस ट्रेनें यहां रुकती है। यह रूपसी बांग्ला, लालमती आदि का टर्मिनल स्टेशन है। सूरज हुसैन, अच्छा रेलवे स्टेशन, दक्षिण पूर्व रेलवे, बहुत साफ स्टेशन, प्रतीक्षालय 24 घंटे उपलब्ध, टोटो और कार भी उपलब्ध है, बहुत ही अच्छा अनुभव। 12828 पुरुलिया हावड़ा सुपर फास्ट एक्सप्रेस पूरे क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पुरानी ट्रेन है, जो कोलकाता से जुड़ती है। इसके अलावा पुरुलिया हावड़ा रूपसी बांग्ला एक्सप्रेस, पुरुलिया हावड़ा लालमाटी एक्सप्रेस, पुरुषोत्तम SF एक्सप्रेस, पुरुलिया बिल्लुपुरम साप्ताहिक सुपर फास्ट एक्सप्रेस इत्यादि महत्वपूर्ण ट्रेनें हैं जो यहां से निकलती है। अगर इतिहास की बात करें तो बंगाल नागपुर रेलवे का गठन 1887 में नागपुर छत्तीसगढ़ रेलवे को अपग्रेड करने के उद्देश्य से किया गया था और फिर इसे इलाहाबाद से होते हुए एक छोटे हावड़ा मुंबई मार्ग को विकसित करने के लिए बिलासपुर से आसनसोल तक विस्तारित किया गया। बंगाल नागपुर रेलवे नागपुर से मुख्य लाइन आसनसोल हावड़ा दिल्ली मुख्य लाइन पर 1 फरवरी 1891 को माल यातायात के लिए खोला गया था। पुरुलिया रांची लाइन को 1907 में BNR के नैरो गेज रेलवे के रूप में खोला गया था। रांची कौटसिला खंड को 1960 में ब्रॉड गेज और बाद में कौटसिला पुरुलिया खंड में अपग्रेड किया गया। 1961-62 में आसनसोल पुरुलिया खंड का विद्युतीकरण किया गया था। आशा है पुरुलिया जंक्शन के ऊपर यह संक्षिप्त वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ ही कमेंट के रूप में अपने विचार अवश्य प्रकट करें। जो नए लोग पहली बार IV4 पब्लिक पर आकर वीडियो देख रहे हैं, उनसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि भविष्य में पुरुलिया के ऊपर और भी वीडियोस पब्लिश होते रहेंगे।
मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं IB4 पब्लिक। हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।